हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा फाउंडेशन, जो कि है लॉरियल का ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। जो शेड मैं आज यूज़ करूँगी वो है 5.5 वार्म। एंड ये फाउंडेशन कोई नया फाउंडेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, पर मैंने देखा कि ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। और बैक इन द डेज़ लाइक 2011 से 15 तक ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन हुआ करता था। पहले ये डिफरेंट पैकेजिंग में था, अगर मैं उसकी पिक्चर ढूंढ पाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि इसकी बॉटल्स एंड बॉटल्स एंड बॉटल्स मैंने फिनिश की थी, क्योंकि इसकी फिनिश बहुत अच्छी थी। अब उन्होंने इसको थोड़ा और अच्छा बनाया है, हायलुरोनिक एसिड के साथ सुपर ब्लेंडेबल बनाया है, एंड और भी बहुत सारे क्लेम्स हैं इसके। एंड इस पर पम्प भी लगा दिया है, सो ज़्यादा हाइजीनिक एंड अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे ही दवाई के जैसे निकला करता था। कितनी बार ट्राई करके देखा है, इसकी जो फिनिश है बहुत ही मज़ेदार लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आपके साथ मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ एंड इसकी फिनिश कैसा लगता है ये फाउंडेशन। सो इस फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसमें आपको 45 डिफरेंट शेड्स मिलेंगे, एंड इसकी परफेक्ट नेचुरल कवरेज है, 80% हाइड्रेटिंग है, एंड जो प्राइस है वो है $18.99 फ्रॉम अमेजोन और वॉलमार्ट और शॉपर्स। और ये बोलते हैं कि इसमें हायलुरोनिक एसिड है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है विद इन 2 वीक्स ऑफ यूजिंग इट, लाइक क्या बोलते हैं कि कोई स्किन केयर प्रोडक्ट की तरह। एंड ये है मेड इन फ्रांस। सो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये नया प्रोडक्ट नहीं है, ये पुराना ही है, पर या उन्होंने फार्मूले को थोड़ा अपडेट एंड थोड़ा रीजोवनेट किया है अच्छी इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि आज इंग्रेडिएंट्स बहुत पॉपुलर चल रही हैं। उन्होंने पैकेजिंग को अच्छा किया है। 12 साल पहले जब मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा करता था, तब मुझे लगता है कि यही एक ओनली फाउंडेशन था जो मेरी स्किन पर अच्छा मैच था। अदरवाइज अपनी मेरी स्किन के कलर के फाउंडेशन को ढूंढना आसान काम नहीं था। और एक बार क्या हुआ कि मेलबर्न में रहती थी हम, और मैं प्राइस लाइन फार्मेसी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे गई एंड मैंने उसको कहा कि मेरी स्किन का फाउंडेशन मुझे चाहिए। उस लेडी ने कहा कि ओह योर स्किन इज़ टू डार्क, वी डोंट हैव फाउंडेशन। मैंने सोचा कि यार मेरी स्किन तो इतनी डार्क है भी नहीं, मेरे से ऊपर भी कितने सारे डार्क ऑप्शन हैं, तो अगर इनके पास मेरा ही शेड नहीं है तो कितना रेसिज्म है ये, कितना बुरा है ये कि आपको अपनी स्किन का फाउंडेशन ही ना मिले। एंड शी सेड ओ यू आर टू डार्क। पर या इस पे मेरा फाउंडेशन शेड था, शायद वो कामचोर थी, उसका काम करने का मन नहीं था, या फिर आई डोंट नो क्या है वो स्टोरी। वो एक हॉरर स्टोरी है मेरी ज़िंदगी में, बहुत उदास हो गई। मैंने हस्बैंड को कहा कि वो कहने कि तेरा फाउंडेशन नहीं है क्योंकि तू यू आर टू डार्क। दैट वाज सैड। सो इस फाउंडेशन में तीन डिफरेंट काइंड्स होती हैं, नेचुरल, वार्म एंड कूल। मैं वार्म के साथ ही जाना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो स्किन है गोल्डन बेस की है, पर अब मुझे अपनी स्किन थोड़ी नेचुरल लगनी शुरू हो गई है। एक्चुअली वो चेंज हो सकती है समय के साथ, आई थिंक। सो मैं नेचुरल शेड की पहन लेती हूँ एंड वार्म भी, पर जो कूल टोन्स है वो मेरे फेस पर बहुत ही अजीब एंड गुलाबी एंड पिंक जैसा लगता है, वो मेरे फेस को अलग सी ही रंग दे देते हैं। सो कूल नहीं पहनती हूँ मैं। सो अब हम करेंगे एप्लीकेशन एंड उससे पता चलेगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और कैसी कवरेज आती है। सो इसको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बिल्डेबल किस्म का है। सो एप्लीकेशन हो चुका है। मेरी बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी इस फाउंडेशन को लेके, क्योंकि सदियों पहले ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और इसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है, इसने वो होप्स को मैच कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड नेचुरल किस्म का फिनिश आया है मेरे फाउंडेशन का, मेकअप का, एंड इसको ये बिल्कुल फाइन लाइन्स में भरा नहीं है एंड इसको ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। मीडियम कवरेज होने के बावजूद भी ये आपके फेस पे हैवी नहीं लगता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल किस्म का फिनिश है। मुझे लगता है जिनकी ड्राई स्किन है उनको ये पसंद आएगा, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उन्हें भी ये पसंद आएगा, और जिनकी नॉर्मल है उन्हें तो आएगा ही, बट जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयली है शायद उनको ये अच्छा ना लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। मेरी स्किन ऑयली है, काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, सो मुझे इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इसकी फिनिश है जो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल किस्म की है, ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी एंड डूई लगेगा, अच्छा नेचुरल साटन किस्म की फिनिश है। सो एंड ऑफ स्टोरी है कि मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप कोई अफोर्डेबल अच्छा गुड क्वालिटी का फाउंडेशन देख रहे हैं जो कि आपके
फेस को अच्छी कवरेज भी दे, आपका स्कार्स को भी छुपा दे और आपके बैंक को भी ब्रेक नहीं करे, तो आप ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ट्रस्ट वर्दी फाउंडेशन है L'Oreal True Match सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। सो आई होप ये रिव्यू वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको रिव्यू वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बार में बताना कि और मैं किस चीज़ का रिव्यू करूँ। एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई लव यू सो वेरी मच, बाय।